कोरोना महामारी के इस दौर में एक शिक्षिका मिसाल बन के सामने आई है। इस शिक्षिका ने 15 दिन में 3000 से ज्यादा मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों को बांटे हैं। पूर्व सरकार के समय इस टीचर का बार बार तबादला किया गया है, जिस वजह से इन्हें पिछले एक वर्ष से वेतन तक नहीं मिली है। छिंदवाड़ा के तामिया की उच्च श्रेणी शिक्षिका रश्मि रानी तंतुबाई पिछले 15 दिनों से लगातार स्वयं सूती कपड़ों से मास्क बना रही है। रश्मि, ये मास्क कोरोना महामारी को हराने के लिए काम कर रहे कोरोना योद्धाओं, क्वारंटाइन सेंटर में रुके मजदूरों और जरूरतमंदों को वितरित कर रही हैं। रश्मि रानी सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं और लॉकडाउन में मिली फुर्सत में वह जनसेवा के लिए सामने आई। रश्मि रानी तंतुबाई पेशे से उच्च श्रेणी शिक्षिका हैं, ये निरंतर स्वयं के व्यय पर मास्क बनाकर वितरण का काम कर रही हैं। रश्मि रानी को राजनीतिक दुर्भावनावश किए गए स्थानांतरण के चलते विगत एक वर्ष से वेतन नहीं मिला है, फिर भी धन अभाव में संसाधनों की कमी होने पर भी वे समाज सेवा में जुटी हुई हैं। महामारी हमारे पूरे देश में फैली हुई है और इसी तारतम्य में मैंने एक दिन न्यूज पे देखा बैठे बैठे कि मास्क की अत्यंत आवश्यकता है और थोक व्यापारियों ने मास्क की कालाबाजारी शुरू करने के लिए पूरे मास्क को गोडाउन में रख लिया है और बाद में पता चला है कि वो कम से कम 1 करोड़ के मास्क थे जो पकड़ाए। तो वही सब सोच के मेरे मन में लगा कि विपदा की घड़ी में लोग बाग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक शाखा में गाया जाने वाला गीत मुझे याद आया, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बस यही गीत की पंक्तियाँ याद आती ही मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। और फिर मैंने घर में जो उपलब्ध कपड़े थे उन कपड़ों से पहले मास्क बनाने की कोशिश की और जब 10-12 चादरों के मेरे मास्क बन गए तो फिर हमने परासे से कपड़ा लाकर मास्क बनाना शुरू किया। और मैं अब तक कम से कम 2700 के लगभग मास्क बना चुकी हूँ और ये सब मास्क एकल विद्यालय, सेवा भारती और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं ये यहाँ से ले जाते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में वितरित कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यदि यहाँ के संस्था में जो बाहर से आए हुए मजदूर क्वारंटाइन करके रखे गए हैं तो उन स्कूलों से भी यदि डिमांड आती है तो मैं मास्क बनाकर वहाँ भी देती हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।